भारत सरकार का स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जब इसके बारे में हमें सबसे पहले पता चला तो मुझे पर्सनली ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके जरिए हम स्टूडेंट्स अपने आप को क्लीन इंडिया मिशन से जोड़ सकते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता कि हम अपने आप को सोशली कनेक्ट कर पाते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गांवों में कितनी सफाई है कितनी नहीं है इसके बारे में जान पाते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत उत्साहित था इस इंटर्नशिप के लिए, और हमने फैसला किया कि हम इसके लिए जरूर जरूर अप्लाई करेंगे। जब हम लोगों ने सोचा कि हम स्वच्छ भारत इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक टीम की आवश्यकता थी। फिर हम लोगों ने अपने दोस्तों से बात की, फिर हम लोगों ने सबसे बात करके एक टीम को बनाया, सबसे बातचीत के सबको इस प्रोग्राम के बारे में समझाया कि कैसे हम इसे कम्प्लीट कर सकते हैं। जब विशाल ने मुझे स्वच्छ भारत इंटर्नशिप के बारे में बताया तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके द्वारा मैं अपनी सोशल कैपेसिटी को बढ़ा सकता था, लोगों से इंटरेक्शन करना और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मैं सीख सकता था। तो मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि हाँ, इसमें भाग लेना चाहिए। सबसे पहली चुनौती ये थी कि हम गांव में लोगों से कनेक्ट हो सकें, क्योंकि अगर हम लोगों से पर्सनली कनेक्ट नहीं होते तो हमारी बातों का उतना असर नहीं होता। जैसे कि अगर हम सिर्फ रैली निकाल लें या नुक्कड़ नाटक कर दें, कोई स्पीच दे दें, तो उससे लोगों पे उतना असर नहीं होता। इसलिए ये ज़रूरी था हमारे लिए कि हम लोगों से पर्सनली तौर पे कनेक्ट हों। इसके लिए हमने डोर टू डोर किया। हम लोगों ने डोर टू डोर का फर्स्ट हमारा जो था कि हम लोग डोर टू डोर करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। सो हम लोग गए लोगों से बात करने और काफ़ी कुछ हमें वहाँ पर उन लोगों से उनको सिखाया, उनसे बातचीत करी, उनसे ये भी पूछा कि आप अपने घर के अंदर जो कचरा है उसको आप किस तरह से रखते हैं, अलग अलग रखते हैं या एक साथ रखते हैं। उन लोगों ने भी बताया कि जो हमारा कचरा है हम लोग मोस्टली इसको इस तरह से, मतलब जो उनका था रोज का वैसा उन्होंने करा। और उसके बाद लोगों से जब हम लोग जब इंटरेक्ट होना चालू हुए, हम लोगों ने उनसे पूछा कि और क्या क्या समस्या है, तो उन्होंने स्वच्छता से छोड़ के और भी कुछ निजी समस्या थी इतना हम उनसे कनेक्ट हुए थे कि उन लोगों ने हमसे शेयर करी। हमने लोगों को अपनी उनकी परेशानी समझी, उन्होंने क्या कहा, फिर हम उसका निवारण करना सोचा कि हमसे अपने लेवल पे क्या निवारण कर सकते हैं। फिर हमने निवारण करना भी चालू किया, सरपंच से बात करी, सरपंच ने हमें काफी मदद करी है इस चीजों में। पर हम डोर टू डोर करके हमको बहुत सारी परेशानियों का पता चला कि इस गांव में क्या परेशानियां हैं लगभग, तो हमने उसका काफी निवारण कर दिया। पर क्योंकि अपने लेवल पर हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पर जो कुछ ऐसी परेशानियां थी जो हम अपने लेवल पर नहीं कर सकते थे, जो कि मतलब जैसे नालियां बनाना, क्योंकि नालियां बनाने का ये सब सरपंच ही कर सकता है, हम अपने लेवल पर मान लें स्वच्छता कर सकते थे, जो हमने काफी कुछ स्वच्छता वगैरह किया है। और हमने डोर टू डोर करके हमने लोगों की परेशानी जानी और साथ में हमने उन्हें हल भी बताया कि आप लोग कैसे अपने घर को स्वच्छ वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता ही मेन हमारा इंटेंशन था। लेडीज से जाके बात की और उन्हें प्रॉपर सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया कि मतलब अपने आसपास और वातावरण को साफ रखने के अलावा उनको खुद का भी ख्याल रखना, खुद के स्वास्थ्य का, खुद की पर्सनल क्लीनिनेस पे भी ध्यान देना है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डोर टू डोर में कवर की और जो भी पूरे गाँव की मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने जाके सरपंच को बताया, उनसे कुछ हेल्प ली कि अगर इसके लिए कुछ हो सकता है तो वो करें, वो सब भी चालू हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ स्कूल लेवल पे किया जाए। 8 से 10 दिन डोर टू डोर करने के बाद हमारा इंटरेक्शन लोगों से काफी अच्छा हो गया था और गांव के सारे घर कवर करना हमारे लिए मुश्किल था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करें। उसके लिए हम स्कूलों में गए और वहाँ के टीचर्स से हमने परमिशन दी कि क्या हम कुछ एक्टिविटीज वहाँ परफॉर्म करा सके ताकि स्वच्छता के बारे में हम लोगों बच्चों में जागरूकता फैला सके, क्योंकि हर घर का बच्चा स्कूल तो आता ही है। तो हमारा मेन यही था उद्देश्य कि स्वच्छता का हमारा जो भी हमारा परचम है, जो हमारा मोटो है, वो घर घर तक पहुँचे। तो उसके लिए हम लोग स्कूल में जाके हम लोगों ने पहले उनको अवेयर किया, स्कूल के बच्चों को, बच्चों ने भी बहुत ही ज्यादा उत्साह से हम लोगों का साथ दिया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि ये बच्चे थे छोटे छोटे तो इनके लिए तो कुछ स्पीच वगैरह तो दी नहीं जा सकती थी, वो लोग तो मतलब इसमें मतलब वही नहीं करते, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, उनको मजा ही नहीं आता। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स रखे थे, जैसे कि वो पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी थे। तो बच्चों ने बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया
और बहुत सारी चीजें, इतने अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए थे मतलब कि, और इन सब चीजों से बच्चों को समझ में भी आ रहा था कि हम लोगों को करना क्या है। उन लोगों की सोच बदल रही थी, बच्चों को सब चीजें समझ में आ रही थी, बहुत ही फन तरीके से उन लोगों ने बहुत ही खेल खेल में सब चीजें सीखी। मूवी स्क्रीनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बच्चों में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ उस चीज को लेकर, और जो हम समझाना चाहते थे, अगर कोई लेक्चर देते बच्चों को, नई स्पीच देते, ये क्लास में आके आधे घंटे का लेक्चर देते, तो वो असर नहीं होता जो मूवी स्क्रीनिंग के कारण हुआ। हमने छोटे बच्चों को कार्टून मूवीज दिखाई, बड़े बच्चों को कुछ ऐसी दिखाई जो वो समझ सके, जैसे कि पर व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा निकलता है, उसका निवारण कैसे करना चाहिए, अभी कैसे हो रहा है और तुम्हें कैसे करना चाहिए। हमने मूवी स्क्रीनिंग के बाद बच्चों को एक्सप्लेन किया कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, तो इससे बच्चों में बहुत जागरूकता आई। मूवी स्क्रीनिंग के बाद हमने बच्चों के साथ मिलके, स्कूल के बच्चों के साथ मिलके हमने रैली निकाली। गलियों में रैली निकालने से एक फायदा तो ये हुआ कि उस गांव की पूरी जनता हमें देख रही थी, हमें सुन रही थी। गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम नुक्कड़ नाटक का है। तो बावजूद इसके कि हम में से किसी को भी एक्टिंग नहीं आती थी और ना ही नुक्कड़ नाटक का कोई एक्सपीरियंस था, पर फिर भी हमने तय किया कि हम इसे अपने नाटक में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहला जो काम था वो था स्क्रिप्ट डिसाइड करना। हम सब ने मिलके पहले स्क्रिप्ट तैयार की, उस पर और काम किया, हमने इंटरनेट की भी मदद ली, और फिर फाइनली जब स्क्रिप्ट तैयार हुई तो सबसे पहला काम था हमें कैरेक्टर्स डिसाइड करने थे कि कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। तो इसके लिए मैंने चुना चिंकी का कैरेक्टर, जो एक छोटी बच्ची का कैरेक्टर था, क्योंकि मुझे लगा कि वो सबसे आसान। तो फिर हम सब ने अपने अपने रोल में बहुत मेहनत की, लगभग रोज 8-10 दिन तक इसके लिए हमने प्रैक्टिस की। फिर गांव में जाकर हमने कई सारी जगहों पे परफॉर्म किया ये नुक्कड़ नाटक, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दिखाना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना था, तो ये जरूरी था कि हम ज्यादा जगहों पे प्रस्तुत करें। हमने अपनी एक्टिविटीज में वॉल पेंटिंग सेलेक्ट की थी, तो इसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल चुना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को बताना बहुत जरूरी था कि वो मध्याह्न भोजन से पहले हाथ वगैरह धोए, अपने आसपास स्वच्छता रखे स्कूल में। तो वहाँ पे मैंने 2-3 जगह वॉल पेंटिंग्स की और वहाँ पे स्लोगन्स लिखे स्वच्छता से रिलेटेड, क्योंकि वॉल पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है बच्चों तक ये सब चीजें पहुँचाना, क्योंकि आप बच्चों को एक बार बताओगे तो वो हो सकता है भूल जाए, पर अगर कुछ वॉल में पेंटेड है और वो रोज रोज उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली उनकी सोच में बहुत बड़ा असर करेगी। बाकी स्कूल के बच्चों को हमने सेग्रीगेशन और सॉलिड वेस्ट, मतलब कि वेस्ट का खुद ही खत्म कैसे कर सकते हैं आप, मतलब वेस्ट को जो घर से निकल रहा है, वेस्ट सूखा कचरा गीला कचरा, उसका खुद ही खत्म कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया बच्चों को। फिजिकली पूरा करके बताया कि आप कचरा जो होता है गीला अलग रखिए, सूखा अलग रखिए, उस कचरे को खाद बना सकते हैं, खाद मतलब गड्ढे में उसे गाड़ दीजिए नीचे, वो थोड़े दिन बाद उसे खाद बन सकती है, खाद का उपयोग किसान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये पूरी फिजिकल प्रोसेस हमने बच्चों को समझाई, ये बच्चों को इसलिए समझाई बच्चों तक ये बात बच्चों से घर तक ज्यादा जल्दी पहुंच सकती है, इसलिए बच्चों को हमने अच्छे से सब कुछ बताया है। सूखे कचरे का निवारण कैसे करना है ये तो हमने डोर टू डोर में और मूवी स्क्रीनिंग और स्कूलों में जाके बच्चों को समझा दिया था, लेकिन जो गीला कचरे के निवारण के लिए हमें अभी भी लोगों को जागरूक करना था, क्योंकि वो गीला कचरा अधिकतर रोड पे या नालियों में फेंक देते थे, इसके लिए हमने लोगों को कंपोस्ट पिट बनाना सिखाया। सो गीले कचरे का निवारण सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यह हर घर से निकलता था और फालतू में मतलब वेस्ट जाता था, तो हम लोगों ने इसके लिए कंपोस्ट भी जो था हमारा वेस्ट, इसके लिए हमने सोचा कि गाँव वालों से कंपोस्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है ताकि वो अपने डेली लाइफ में इसको यूज कर सके और अपने खेती के अंदर इसको इस्तेमाल कर सके। सो कंपोस्ट बनाने के लिए पहले हम लोगों ने इंटरनेट का जरिया लिया, जहाँ पर हमने देखा कि कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी और रिसर्च करके कंपोस्ट के बारे में हम लोगों ने फाइनली एक दिन डिसीजन लिया कि आज बनाते हैं, और फिर हम लोगों ने कंपोस्ट बनाना चालू किया। हमने लोगों को सिखाया कि कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, और करके भी दिखाया कि किस तरह से आप इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, ताकि उससे आपका उससे बेहतरीन खाद बने। जब मैंने स्वच्छ भारत की इंटर्नशिप ज्वाइन करी तो मेरे को लगा इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो नहीं पाएंगे, पर मैं इसमें डे टू डे आया तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करे,
जैसे कि कचरे को कैसे अलग करना है, गीला सूखा कैसा होता है। हमने यहाँ पे सबने मिलके बहुत सारे प्रोग्राम भी करे, जैसे नुक्कड़ नाटक, मूवी स्क्रीनिंग, डोर टू डोर कैंपेन। बाकी सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जो समर इंटर्नशिप की जो किया है मैंने, उसमें मुझे काफी चुनौतियां मिली हैं जो मैंने जिनका निवारण करा है, और उस निवारण से मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला जो मैं अपनी लाइफ में उतारना चाहता हूँ। और मैं खुश हूँ कि मैं समर इंटर्नशिप का जो पार्ट रहा हूँ। इस इंटर्नशिप से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे नए लोगों से इंटरेक्शन करना और उन तक अपनी बात को पहुंचाना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे इम्पोर्टेंट कैंपेन में मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। 1 जून को मैं इस इंटर्नशिप का पार्ट बना और बहुत अच्छा लग रहा था। जब नया नया सुना था इंटर्नशिप करेंगे, और जब गाँव में जाके लोगों से बातचीत की, कुछ उन लोगों ने हमें सिखाया, कुछ हमने उनको सिखाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा बेस्ट वेकेशन, समर वेकेशन था, मैंने जो स्वच्छता को समर्पित किया। सो थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेडिकैप यूनिवर्सिटी और गांव के सरपंच को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा इतना सहयोग किया।